बोली बोले क्या बोली क्या बोले डॉक्टर साहब एक वर्ड में डिप्रेशन बोला सोचती होगी ज्यादा ऐसे रहती है तो घूमने गई रहती तो ना ही सोचती मौका नहीं मिलता हेलो माय यूट्यूब फैमिली आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो शुरू करने से पहले जो जो जानकारी मुझे वहाँ सुनने को मिला था आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो जो चीज़ पूछा उनका जवाब जब भाभी दे रही थी वो सब कुछ दे रही थी ठीक से ही दे रही थी, पर अचानक से क्या हुआ कि एक एक चीज़ जब पूरा पूछने के बाद से उन्होंने बोला कि ये सब जितना भी सिम्टम आप बता रही हैं चक्कर आना या नींद नहीं आना या जितना भी मतलब वो बहुत सारा चीज़ पूछे क्वेश्चन, तो उसके बाद से डायरेक्ट बोला कि आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं डिप्रेशन ऐसा वर्ड यूज़ किए तो ये सब उसका लक्षण है। तो आप एक काम कीजिए आप इतना क्यों सोचती हैं। तो अभी सब कुछ है उनके पास भाभी के पास भैया के पास, तो फिर पूछे कि क्या हुआ कैसे इतना क्यों आपका खून में कमी भी लग रहा है आँख के में, वो जब चेक किए तो उसके बाद से मम्मी भी बताने लगी कि हाँ ये लोग कुछ ट्रैवल करते हैं और कितना साल हो गया शादी का। फिर वो बोले कि हाँ कुछ भी ये सब भी दिमाग में चलते रहता होगा या कुछ भी। तो गाइस अभी जो है वो एकदम टेंशन में रह रही हैं, तो इसको खुश करने के लिए हम लोगों को कुछ अच्छा सा माहौल बनाना पड़ेगा। और हाँ थोड़ा सा घर पे या कहीं पे भी रहें तो थोड़ा दिन एक जगह पे रहें। आप लोग सही कमेंट करते हैं पर ये सुनती नहीं है भाभी, तो हम तो अब बोले उनको कि थोड़ा दिन आराम कीजिए रेस्ट लीजिए आराम से रहिए बॉडी पे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पहले जब ये घूमने जाने से पहले एकदम मतलब थोड़ा उतना भी नहीं लेकिन हाँ एकदम फिट थी, पर आने के बाद एकदम चेहरा जो एकदम डल हो गया था। और अब टेंशन क्या है क्या नहीं वो क्या चीज़ का लेती हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद जो भी हो आप लोग बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत सारा जांच जो है वो बोले हैं डॉक्टर साहब, पहला ब्लड का बोले हैं फिर थायराइड का ही बोले फिर अल्ट्रासाउंड करवाएं और सबका रिपोर्ट बोले हैं कि थोड़ा सा मुझे देखना है कि आखिर क्यों इस वजह से हो रहा है या किस वजह से, कि उनका पूरा ब्लड जो है एकदम थोड़ा सा बीपी नॉर्मल था थोड़ा सा कम था 170 ऐसा कुछ था। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं और अब रंजना को बनाना जितना भी है सब भाभी के लिए अभी थोड़ा रहना पड़ेगा। मुझे मेरा हम लोग का प्लान कुछ और था, अब जिनका साथी होने वाला है उनको मैं बोल दूंगा कि अभी मैं नहीं जा पाऊंगा या देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, या उनको भी मैनेज के लिए मैं जाऊंगा तो जल्दी से आ जाऊंगा ऐसा कुछ करके। तो देखते हैं अभी क्या होता है, आप लोग वीडियो को देखिए और बस इतना ही कहेंगे कि सही बात है आप लोग भी पूरा खाना पीना पे मेन है ना, ये लोग खाना टाइम पे नहीं खाते हैं और खाना के टाइम हो जाता है ये लोग का 11 कभी 12 ऐसा हो जाता है, इस वजह से जो भी ये रीज़न XYZ आप लोगों को बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा अच्छा कि जल्दी से भाभी फिर से पूरा एकदम चहलकदमी करें कूदे फाने, लेकिन उतना मत घूमें जितना वो, क्योंकि अब तो सब कुछ है अब इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो भी करके इतना आगे हो गई, अब अगर तबीयत ही सही नहीं रहेगा तो फिर वो सब पैसा कमाना सब वेस्ट हो जाएगा। तो सेहत पहले ज़रूरी है, जैसे हमारा देख सकते हैं मोटा के भैंस होते जा रहे हैं। खैर अभी कॉमेडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भाभी को खुश करने के लिए कुछ हंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरकीब हमको करना ही होगा। अब कल से जूस सब कुछ अरेंज करना है क्योंकि कभी भी कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे खुशी में ना रहूँ लेकिन दुख में ज़रूर रहना चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ या सही, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं बोल देता हूँ और मैं उतना सोचता वोचता नहीं हूँ कि पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं, पर ये जब वीडियो देखेंगी भाभी तो ज़रूर मुस्कुराएंगी कि ऐसा ऐसा हम बोल रहे थे। तो हम जाके डायरेक्ट डॉक्टर को जो जो भी था ये ना बता नहीं रही थी पेट का दर्द का, तो हम बोले पेट में दर्द रहता है इनका,
तो वो बोले कि आप बोल दिए, तो हम बोले तो डॉक्टर को सब बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज़ यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया था और यहाँ पे मम्मी बैठी थी और सोच रही थी कि क्या हो गया, कैसे क्या हो रहा है। और भाभी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो बीपी वाला मशीन था उसमें देख रहे थे लोग एकदम ध्यान से कि क्या क्या आएगा क्या नहीं। तो धीरे धीरे करके जो समय जाते जा रहा था और अब जो है डॉक्टर साहब बोले कि जल्दी से आया जाए क्योंकि उनको कहीं जाना भी था। और यहाँ पे जो भी बीपी का पल्स रेट था वो यहाँ पे लिखने के लिए कंपाउंडर साहब बोल रही थी कि ठीक है बस थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद से मम्मी बोली कि अच्छे से देखिए एक बार ठीक से, तो फिर उसके बाद से देखने लगी। सीधा सीधा खड़ा रहिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, बस चलिए। वीकनेस है और घबराहट बेचैनी भी होता है। जब आज सुबह सुबह ऐसे हो रहा था, वीकनेस जैसा, घबराहट ऐसा। कब से हो रहा है आपको ये? कभी कभी होता है। आज हुआ था सुबह। कितने दिन? अभी इस मंथ में स्टार्टिंग में भी हुआ था, तो फिर वहाँ तो गाइज़ यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद से अब हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग निकल गए हैं लोग हॉस्पिटल से। कहाँ जा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड कराने। वो भी हम बोले हैं तो गाइज़ इसका तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है मनीषा को। आप लोग को रिपोर्ट में मिलेगा, सब देखने के लिए बने रहिएगा लोग। क्या बोला है? क्या बोले हम डॉक्टर साहब? इसको बोल रहा था कुछ, इसको देखते हैं कमजोर है एकदम। चलिए जो नहीं कमजोर है उसको बोलते हैं। उसको भी जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। नहीं क्या मेरी बेटी नहीं, वो नहीं बोले। क्या बोली? क्या बोले डॉक्टर साहब एक वर्ड में? डिप्रेशन बोला। तो सोचती होगी ज्यादा ऐसे रहती है तो, घूमने गई रहती तो ना ही सोचती, मौका नहीं मिलता। अरे थोड़ा सा नहीं सोचना है अभी। क्या सोचना है तुम लोग को? अभी हम लोग हैं। अरे कुछ बात होगा? कुछ बात नहीं है। कोई भी बात होगा तो अभी हम काफी है निपटने के लिए, तो एकदम फ्री रहो सब। चलते हैं बेटे को। जल्दी जाना है क्योंकि डॉक्टर साहब उठ रहे थे तो बोले हैं कि नहीं आप बैठ जाइए, एक पेशेंट आ रहे हैं या अपना पेशेंट आ रहे हैं ना, अपना पापा जी को देख के। इसीलिए पापा जी के फ्रेंड है वो, उनका भी स्कूल है सर का, डॉक्टर साहब का। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर परवेज आलम के पास। तो गाइस यहाँ पे जो है पानी आया था, पानी भाभी पी चुकी है। अब हम लोग थोड़ा देर, हम लोग के पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ हम दोनों के लिए ही डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो
देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर आराम से मम्मी देखी करते, हवा खा रही हूँ, बैठे हम पंखा चलाए हैं, गर्मी इतना काफ़ी है ना, एकदम हालत बिगड़ जा रहा है। बड़ा ग्लो मार रहा है चेहरा आपका। हाँ इनसे तो बहुत साफ लग रही है।